भवेश तिवारी सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक तो ये जो सारा विवाद चल रहा है, जो अभी लगातार खबरों में जगह मिली हुई है, हालांकि खबरों में तो इस समय राम मंदिर के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात कर लें तो, ये जो अभी हम स्वामी शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनका एक जो बयान था वो अभी हमने सुनवाया, उसमें सर एक सवाल और है। अभी बयान आता है कि भाई इनको न्योता ही नहीं भेजा गया है। एक तरफ हिंदू धर्माचार्य जो हैं उनको न्योता नहीं देते हैं, आप बात सनातन की करते हैं, शंकराचार्यों के पास न्योता नहीं पहुंचता है। दूसरी तरफ आप विपक्षी जो दल हैं उनको, उनके नेताओं को जो है वो न्योते पर न्योता भी दे रहे हैं, और उतनी ही न्योता देने से ज्यादा जोर इस बात पे है कि किस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाए कि हाँ इनके पास न्योता गया। और फिर भाई ठीक है कि राजनीतिक कारण बताते हुए और इन लोगों ने विरोध आने से इनकार कर दिया। सर, ये कैसे इसको समझा जाए कि ये क्या खेल चल रहा है कि आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो आपके संस्कार का, आपके इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं, आपके आयोजन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, आप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष के नेताओं को इसलिए बुलाएंगे क्योंकि वो राजनीतिक कार्यक्रम जब आप करें तो उसमें शामिल नहीं होंगे, फिर आप देश को बताएंगे कि ये तो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, धर्म विरोधी है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, वो लगातार पिछले 10 वर्षों से एक काम कर रहे हैं। खाली वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो है, खासतौर से मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही है, वो उनकी लीक पर, उनके प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करे। वो बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। तो उनकी बहुत ही इस बात की दिली ख्वाहिश थी कि कांग्रेस पार्टी अयोध्या के पिच पर आकर के खेले, और कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। कल राहुल गांधी जी का भी बयान आया। जहां तक शंकराचार्य का सवाल है, शंकराचार्य के बयान के पीछे तो मैं दूर दूर तक तो कोई पॉलिटिक्स नहीं देखता। अभी मुक्तेश्वरानंद ने और तमाम शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने वहां जाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कल अभी मुक्तेश्वरानंद का एक बयान आया है जो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने जो एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेसी कहना कमजोरी की निशानी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी का विरोधी वो है जो उन्हें गलत कामों से टोक नहीं रहा। पीएम मोदी से और हम खुश हैं और चाहते हैं कि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। वे एक हिम्मती आदमी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से वो आए हैं, इन्होंने हिंदू को, हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया है, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाएगा। अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो प्रतिष्ठा का कार्य रूप देगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अब तक, खासतौर से राहुल ने, प्रियंका गांधी जी ने, इन लोगों ने बहुत सोच समझ के, पार्टी अध्यक्ष ने एक बार भी अपने बयान में शंकराचार्यों का जिक्र नहीं किया। फिलहाल राहुल, प्रियंका ने तो बिल्कुल नहीं किया। धर्म गुरु की बात की, धर्म लीडरों की बात की, लेकिन नहीं जिक्र किया। और शंकराचार्य को राजनीति में घसीटना भी ठीक बात बिल्कुल नहीं थी। और अभी आपने देखा होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद किस तरह से पत्रकारों पर इस बात को लेकर के बेहद नाराज भी हुए हैं। और दरअसल है क्या राम प्रकाश जी, जो परिस्थितियां चल रही है, बस साफ दिख रहा है कि ये पूरा आयोजन जो है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से टकरा गया। भाजपा के राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ और बेहद ताकत के साथ जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल लोगों के पदचाप सुनाई दे रहे थे, मणिपुर के बाद नागालैंड में जिस जोश खटोखरोश के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया गया, आप देखते जाइए स्थितियां बहुत ही बीजेपी के खिलाफ जाने वाली। और अब धीरे धीरे यह हिंदू जनमानस को भी समझ में आने लगा है। दावा तो ये बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। समूचे उत्तर भारत में शीत लहरी चल रही है। पहली बात तो ये बड़ा अमानवीय है कि इस मौसम में जब लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, आप इतनी बड़ी संख्या में किसी शहर में किसी जगह पे आप भीड़ का जमावड़ा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता समझदार है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये पूरा आयोजन जो है सकुशल निपट जाए। जो सबसे अजीब चीज दिखाई दी वो ये दिखाई दी
कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग एक ऐसे मंदिर के निर्माण में जो किसी विध्वंस के बाद बनाया गया है, जिस तरह से उद्वेलित थे, जिस तरह से एकदम अभिभूत हो रहे थे दर्शन पूजन के लिए, वह चौंकाता है, मुझे बहुत चौंकाता है। दरअसल राम तो हर जगह है, हम लोग तो अपने घर में अपने दिल में है, एक राम तो अपने अंदर भी है। तो भगवान राम के मंदिर ठीक है, अच्छी बात है, मन बन गया मंदिर, एक मंदिर और बन गया, बस बात इतनी थी। लेकिन उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, जो कुछ चलाया, उस पिच पर जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो कैडर हम उस बात को समझ जाए, जो उनके नेता समझ चुके हैं, बहुत जरूरी। अब भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे का हम लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करें, और कम से कम उत्तर भारत में जहाँ पे इसकी हालत बेहद खराब है, बिहार में, झारखंड में, और आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में तो चुनाव जीते ये लोग जरूर, लेकिन उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हार गए, मंत्री जी को उसको पद खोना पड़ा। तो उनको ये पता है कि हवा बदली हुई है, हवा वैसी नहीं है जैसी 2019-2014 देखी, हवा गर्म है और थोड़ा नीचे की ओर बह रही है। तो मोदी जी का यह भय स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि इसको लेकर के अभी अभी बहुत कुछ होना है, अगले फरवरी तक का इंतजार करिए, देश की राजनीति बदलेगी और चुनाव बड़ा आकर्षक होगा। जी मैं जी आवेश सर, मैं एक चीज और समझ लूं, जिस तरीके से अभी सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र आया और ये सारी चीजें हो रही थी, ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है, हाईकोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर हो गई है कि भाई ये कार्यक्रम पर, इस कार्यक्रम पर रोक लगाया जाना चाहिए, और इसके पीछे कई सारे तर्क ये रहे। एक तो शंकराचार्यों का जो विरोध है उसको तर्क में शामिल किया गया है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के जो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना जो है वो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है ये। तो ये जो, अच्छा, एक तो इस पर आपकी छोटी टिप्पणी एक चाहेंगे, दूसरा इसके साथ साथ एक चीज और चाहेंगे सर, एक लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में ये राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट में किस तरीके के मामले चले ये हम सबने देखा है, तो क्या इस तरीके के मामले को कोर्ट में अब फिर से ले जाना, ये एक कितना उचित कदम है, इस पर एक आपकी टिप्पणी। मैं कह रहा हूँ कि देश के कोर्ट से, देश के न्यायालयों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जिस तरह से कोर्ट में सारा मामला चला और पक्ष में, हिंदू पक्ष में निर्णय सुनाया गया, वो उसकी तमाम आलोचनाएं होती हैं। जिस चीफ जस्टिस के कार्यकाल में ये हुआ वो बाद में राज्यसभा का सदस्य बन गया, ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और मैं उस निर्णय के पक्ष में कभी नहीं खड़ा हो सकता, और भविष्य में भी देश की न्यायालय की जो स्थिति है पिछले एक दशक के दौरान, मुझे नहीं लगता है कि किसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, एकता के मुद्दे पर, या फिर देश के संविधान में जो मूल्य स्थापित किए गए उनको लेकर के न्यायालय कोई सहानुभूति पूर्वक सभी संप्रदायों के को लेकर प्रति बहुत ही संवेदनशील होकर कोई निर्णय देगा, मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। जहां तक इस बात का सवाल है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री पहले देखिए एक सुचिता हुआ करती थी, इतिहास गवाह है, नरसिम्हा राव एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उत्तर प्रदेश की सरकार को बरकी बर्खास्तगी के आदेश दिए और तमाम चीजें की जो कर सकते थे उन्होंने किया। इंदिरा गांधी भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तमाम बाबा लोगों से मिला करती थी, देवरावा बाबा की शिष्या भी थी, वो उनसे जब पूछा गया कि आपके जीवन में कौन से दो लोग इतिहास के महत्वपूर्ण है, उन्होंने आदि शंकराचार्य का और लियोनार्डो दा विंसी का नाम दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसी नहीं थी कि जिस तरह के किसी आयोजन में जाके जो धार्मिक आयोजन पूरी तरह से हो और जो एक धर्म का पोषण करके दूसरे धर्म को प्रति नफरत को बढ़ा रहा है उसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश के संवैधानिक मूल्यों, संविधान, इस देश की धर्म निरपेक्षता, इससे कोई मतलब है नहीं उन्हें, और अदालतों में कुछ होना जाना है नहीं।
ये जो कुछ भी होगा चुनाव से होगा, चुनाव प्रक्रिया से होगा, और ये सरकार बदल करके जब नई सरकार आएगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो जो ढांचा हमारे संविधान का हिला, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की अवस्थापना हुई है, स्थापना की जगह, उसको फिर से कायम करने के लिए ये जरूरी है कि बहुत ईमानदारी के साथ ये जो वोटिंग पूरा पैटर्न है, चुनावी तौर तरीके है, वो बदले जाए, मतदाता जागरूक हो, वो समझे क्या गलत है क्या सही है, और विपक्ष अपनी राजनीति सटीक और सही दिशा में करे, डर के ना करे, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन न पकड़े, भयभीत न हो, ये जरूरी।